हाय मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं। मैं भी यहीं पे अच्छी हूँ। देख रहे हैं ना, आज मैं कैबेज दिखा रही हूँ मेरा ब्लॉग में। यस, कैबेज 65 में बना रही है, बहुत क्रिस्पी रहता है। बारिश का मौसम है अभी, सब लोगों को ये खाने में मज़ा आता है चटपट। तो इसके लिए देखिए, हम किचन में जाएंगे। चलिए, तो इसलिए मैंने एक कैबेज लिया है। देखिए, एक में मैंने आधा ही ले लिया है, तो आपको चाहे तो आप एक भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने आधा ले लिया है। इसको है ना, हम छोटा छोटा काट लेंगे। देखिए, बीच वाला ये है ना, इसको काट के हम निकाल लेंगे। एकदम ही हार्ड रहता है इसीलिए, और इसको अभी हमने छोटा छोटा होके काट लेंगे। बहुत टेस्टी रहेगा, क्रिस्पी रहेगा। बारिश का टाइम है, ये सब खाने में मज़ा आता है। स्पेशली बच्चे लोगों के लिए बहुत अच्छा है, और फटाफट 5 मिनट का अंदर ये काम हो जाता है, और बहुत टेस्टी भी रहता है। एक बार बना के देखिए। देखिए, मैंने ऐसा सब कैबेज को मैंने काट लिया है। अभी इसको एक बाउल में मैं डाल रही हूँ। देखिए, अभी इसको बाउल में डालने के बाद मैंने 2 स्पून इसमें चावल का आटा डालती हूँ। चावल का आटा से क्या होता है, क्रिस्पी हो जाता है, इसीलिए चावल का आटा। और 2 स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर भी डाल दिया है, और मैंने 2 स्पून मैदा भी डाल दिया है। अभी इसमें मैंने 1 स्पून कश्मीरी चिल्ली पाउडर डाल रही हूँ। देखिए, आपका तीखा का हिसाब से आप डाल सकते हैं। देखिए, इसमें है ना, कलर भी अच्छा देता है और टेस्ट भी रहता है इसीलिए। और मैंने ओरिगानो 1/2 स्पून डाल दिया है। ओरिगानो आपको चाहिए तो डाल सकते, नहीं है तो नहीं है, वो तो स्किप्ट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। लेकिन मेरा पास था, तो इसलिए मैंने डाल दिया, टेस्ट बढ़ता है बोल के। और 1/2 स्पून मैंने जीरा पाउडर डाल दिया है। जीरा पाउडर से इसका अच्छा खुशबू आ जाता है। और मैंने इसमें 1/2 स्पून गर्म मसाला, होम मेड गर्म मसाला पाउडर मैंने डाल दिया है। और 1 स्पून मैंने धनिया पाउडर डाला है, इससे अच्छा हो जाता है खुशबू, इसलिए मैंने 1 स्पून धनिया पाउडर डाल दिया है। और इसमें थोड़ा नमक भी डाल रही हूँ, आपका टेस्ट के हिसाब से आप देख के नमक डाल दीजिए। और मैंने इसमें है ना थोड़ा फूड कलर डाल रही हूँ। देखिए, ये मैंने अमेजन से मंगवाया था, तो बहुत अच्छा है। देखिए, मैंने अभी डाल रही हूँ स्ट्रॉबेरी रेड डाल रही हूँ, इसका कलर अच्छा देता है, तो इसीलिए मैंने इसमें 5 स्पून मैंने कलर ड्रॉप्स डाल दिया है। तो इससे क्या, थोड़ा कलर अच्छा आता है। चाहिए तो आप डाल सकते, नहीं तो इसको स्किप कर सकते, कुछ डालना बहुत ज़रूरी नहीं है। मैंने थोड़ा अच्छा भी दिखता है, इसलिए मैंने ये कलर डाल दिया है। अभी देखिए, 1/2 स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, इससे है ना बहुत अच्छा खुशबू आ जाता है। देखिए, अभी इसको है ना अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। देखिए, इसमें बिल्कुल आप पानी मत डालिए, इस यही मीन्स कैबेज में पानी रहता है ना, इसीलिए इसको देखिए अच्छी तरह आप ऐसा मिक्स कर दीजिए। नहीं है आपको इतना मैश हो के नहीं चाहिए, तो आप हल्का हल्का मिक्स करके इसको तेल में आप फ्राई कर सकते हैं। देखिए, मैंने कश्मीरी चिल्ली पाउडर और मैंने कलर भी डाल दिया था ना, तो इसीलिए देखिए कैसे कलर हो गया है। अभी हमने इसको साइड में रख देंगे, गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई रख के देखिए पास में तेल डाल देंगे। तेल अच्छी तरह गर्म होना चाहिए। गर्म होने के बाद थोड़ा सिम में रख के आपने ये देखिए मिक्स करके रखा था, थोड़ा थोड़ा करके आप डाल लीजिए। एकदम पेशेंट लेके करना चाहिए, अदरवाइज हाथ में आपको चीटा लग जाएगा, इसीलिए एकदम सिम में रख दीजिए। सिम में रख के इसको थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए, डाल के फिर उसके बाद आपने एकदम हाई फ्लेम मीडियम फ्लेम में रख दीजिए। देखिए ऐसा सब कितना होता है उतना डाल दीजिए, ज़्यादा भर के भी मत डालिए, क्योंकि फिर अच्छी तरह क्रिस्पी नहीं हो जाएगा, इसीलिए 3/4 से डाल दीजिए। डाल के इसको अच्छी तरह ऐसा धीरे धीरे होने दीजिए, क्योंकि क्रिस्पी होना चाहिए ना इसीलिए। और कैबेज का मोटा रहता है वो पार्ट मत डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट देता है, वो भी बारिश का टाइम है। ये सब खाने के लिए सबको मन हो जाता है, ज़रूर आप एक बार तो ट्राई करके देख लीजिए। देखिए ऐसा थोड़ा आगे पीछे करते रहे, देखिए तेल छूट गया ना, तो हमारा देखिए कैबेज 65 रेडी हो गया है। देखिए कितना अच्छा, कितना फटाफट हो जाता है, ज़्यादा काम भी नहीं है। अभी देखिए इसको आप तेल से निकाल लीजिए, थोड़ा तेल नीचे जाने दीजिए, एक्सेस तेल रहता है ना। अभी इसको मैंने स्ट्रेनर के अंदर डाल देती हूँ। आप एक टिश्यू पेपर चाहिए तो रखिए, उसका ऊपर भी इसको डाल सकते हैं, मीन्स तेल एक्स्ट्रा तेल रहता है उसको ऑब्जर्व कर देगा टिश्यू पेपर। तो मैंने तो ऐसे स्ट्रेनर में डाल दिया है। देखिए अभी थोड़ा तेल गर्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट आप डाल दीजिए, सिम में रख के डालिए, अदरवाइज आपका हाथ में चीटा लग जाएगा। केयरफुल रहेगा तो अच्छा है ना, मीन्स पहले पहले नया नया बनाते हैं ऐसा बच्चे लोगों के लिए बहुत तकलीफ हो जाता है, इसलिए सिम में रख के आप डाल दीजिए तो आसानी है। कुछ नहीं है, बस कैबेज काट लो, उसमें थोड़ा ये डाल दो, तो बस हो गया, फटाफट आपका हो जाएगा। देखिए ऐसा कितना होता है, ज़्यादा भर के मत डालिए, इतना डाल के आप इसको फुल फ्लेम में मीडियम फ्लेम में आप रख दीजिए, तो आराम से आपका हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा, देखिए अभी धीरे धीरे देखिए हो रहा है।
देखिए होने के बाद है ना तेल से वो छूट जाता है। देखिए मैं डालने का कैसे था, अभी देखिए तेल एकदम बबल सब था ना तो कम हो गया है हमारा, अभी 65 रेडी हो रहा है। बहुत टेस्टी रहता है, सिर्फ नॉनवेज से नहीं है, हम कैबेज से भी कर सकते हैं, वेजिटेबल से भी हम कर सकते हैं, बहुत टेस्टी रहता है। आप एक बार बना के देख लीजिए। देखिए हो गया, इसको भी सेम ऐसे प्रोसेस से आप निकाल लीजिए, कंटेनर में चाहे तो कंटेनर, नहीं तो टिश्यू पेपर में चाहे तो टिश्यू पेपर उसमें डाल दीजिए। देखिए कितना आसानी है ना, बच्चे लोग स्पेशली ये सब बहुत पसंद कर देते हैं, तो एक बार ट्राई करके देखिए। दुकान में जाके वो ये लेने से भी अच्छा है, फटाफट घर पे हो जाएगा। देखिए अभी देखिए सब निकाल लिए, वही तेल में मैंने थोड़ा काजू को भी फ्राई करके निकाल लेती हूँ, तो काजू है ना इसके साथ खाने में थोड़ा मज़ा आ जाता है, अच्छा लगता है टेस्ट, इसीलिए मैंने काजू को सब इसमें डाल के फ्राई कर रही हूँ। देख लीजिए ऐसे थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब इसको निकाल लीजिए। देखिए हो गया है, अभी इसको मैंने सब निकाल दिया है। देखिए अभी इसको हमने सेम वही इसमें डाल देंगे स्ट्रेनर में। अभी इसमें हमने थोड़ा कड़ी पत्ता और हरा मिर्चा को भी फ्राई करके इसमें डाल देंगे, तो क्या होता है टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। ये तो फटाफट हो जाएगा क्योंकि तेल तो गर्म है ना, इसीलिए फटाफट हमारा हरी मिर्चा और कड़ी पत्ता हो जाएगा। काला मत कीजिए, हल्का सा ग्रीन रहेगा तभी इसको निकाल दीजिए, तभी इसका खुशबू है ना अच्छा रहता है। देखिए कितना आसान है, कितना जल्दी हो जाता है, तो आप घर पे बना के देख लीजिए, अच्छा लगता है तो मेरा ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।